दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है IPS 95 पेंशनर्स को लेकर। दोस्तों इस तरह की अपडेट हम आपको देते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी को इस अपडेट के बारे में पता चल सके। तो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों यहां पर न्यूज लगाई गई है प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब इतनी मिलेगी रिटायरमेंट के बाद पेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ज्यादा पेंशन का रास्ता साफ कर दिया है। केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दर्ज की गई भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की विशेष अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी ज्यादा पेंशन मिलेगी। केरल हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में भविष्य निधि संगठन को कहा था कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी के आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए। अभी तक EPFO एक निर्धारित सीमा में ही कर्मचारियों को पेंशन देता है। कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ EPFO ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। बता दें कि अभी तक EPFO अधिकतम 15,000 रुपए तक की सैलरी को आधार बनाते हुए ही पेंशन देता था। खबर के अनुसार पेंशन की गणना कर्मचारियों के द्वारा की गई नौकरी में बिताए गए कुल वर्ष प्लस 2/70 गुणा अंतिम सैलरी के आधार पर होगी। इस तरह यदि किसी कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपए महीना है तो उसे हर नए नियम के बाद करीब 25,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। हालांकि पुराने नियम के तहत यह पेंशन 5,000 के लगभग होती थी। गौरतलब है कि साल 2014 में EPFO द्वारा किए गए संशोधन के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन की गणना 6,400 के स्थान पर 15,000 के आधार पर करने को मंजूरी दी गई थी। हालांकि इसमें भी यह पेच फंसा दिया गया था कि पेंशन की गणना कर्मचारियों की पिछले 5 साल की औसत सैलरी के आधार पर होगी। इससे पहले यह गणना रिटायरमेंट से पहले के 1 साल के आधार पर की जाती थी। इसके बाद यह मामला केरल हाईकोर्ट में पहुंचा। यहां केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में संशोधन कर पेंशन की गणना का आधार रिटायरमेंट से पहले के 1 साल को बना दिया और 5 साल वाली बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां साल 2016 में कोर्ट ने पूरी सैलरी के आधार पर पेंशन देने का आदेश सुनाया। कुछ समय पहले EPFO ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इससे सोमवार को EPFO की याचिका खारिज करते हुए प्राइवेट कर्मचारियों को कई गुना बढ़ी हुई पेंशन मिलने का रास्ता साफ कर दिया है। तो दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को लेकर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है जिससे कि EPS 95 पेंशनर्स को भी काफी फायदा होगा। और दोस्तों अब आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए आपको ये न्यूज कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा, जिससे कि हमें हौसला मिलता है हम इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए ला पाते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इस तरह की लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।